इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डीएसएसबी पीजीटी फिजिक्स मेल कैंडिडेट्स के लिए जो क्वेश्चन पेपर था, और इस पार्ट में पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे पार्ट एट यानी कि सेक्शन नंबर एट। सेक्शन एट का क्वेश्चन नंबर वन है, फोर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री ए डॉट बी कितना होगा ये आपको बताना है। देखो जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं लेट ए डॉट बी, तो वो होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और जो भी आता है ना ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि जब भी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है। दूसरा, अगर हम ए क्रॉस बी करें यानी कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए के मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट और साइन थीटा यहाँ पर आएगा, ए बी साइन थीटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी आपको। जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो रिजल्ट में एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो स्केलर क्वांटिटी आती है। एग्जांपल जैसे वर्गडन, तो एफ डॉट एस होता है वर्गडन में, वर्गडन स्केलर क्वांटिटी है। और यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं टॉर्क का जो कि आर क्रॉस एफ के बराबर होता है। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पर हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करने पर हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है। इसके अलावा कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर पूछा है कि ए डॉट बी कितना होगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कॉस 180 डिग्री, क्योंकि एंगल कितना है 180, तो ए बी कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ए डॉट बी यहाँ पर एक्चुअली वेक्टर भी रहना चाहिए इस तरह से, तो ए डॉट बी किसके बराबर आ जाएगा माइनस के ए बी के, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अ बॉडी इज टेकन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एंड देन ऑन द मून विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या चीज़ सही रहेगी। द वेट ऑफ बॉडी इज सेम ऑन द अर्थ एंड मून, देखो वेट क्या होता है, वेट होता है एम इंटू में जी, ठीक है, और जी क्या होता है, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलेशन या एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि जी एम अपॉन आर स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो एक्चुअली स्मॉल जी मास ऑफ प्लेनेट और इनवर्सली डिपेंड करेगा रेडियस ऑफ द प्लेनेट पर। तो इसलिए अगर आप अर्थ पर जी की वैल्यू 9.8 होती है, अर्थ पर जी की वैल्यू होती है 9.8, जबकि मून पर जो जी की वैल्यू होती है ना वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/6 हो जाती है। तो इसका मतलब ये कि अगर जी की वैल्यू चेंज हो रही है तो जो वेट होगा वो चेंज होगा, यानी कि अगर यहाँ पर मान लीजिए वेट डब्ल्यू है तो यहाँ पर जाकर के जो भी वेट होगा वो 1/6 हो जाएगा मून पर, ठीक है। तो वेट चेंज होगा लेकिन मास चेंज नहीं होगा, क्योंकि मास होता है कितना मैटर उस बॉडी में है, वो मैटर थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप एक प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाओगे मास में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वेट में चेंज आ जाता है, क्यों, क्योंकि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है, क्योंकि एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास पर, मास ऑफ प्लेनेट पर ध्यान रखना, और उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट तो गलत होगा, वेट ऑफ द बॉडी सेम नहीं हो सकता, द मास ऑफ बॉडी इज रिड्यूस, मास तो रिड्यूस होगा ही नहीं। थर्ड, मास ऑफ बॉडी इज सेम ऑन द अर्थ एंड मून, ये बिल्कुल सही है, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, वेट चेंज हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है द मास ऑफ बॉडी, नहीं, मास में चेंज नहीं आएगा। आई रिपीट, जब भी आप एक प्लेनेट से किसी दूसरे प्लेनेट पर मास को ले जा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट को ले जा रहे हो, तो उसका मास चेंज नहीं होगा, उसका वेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, पी का मैग्नीट्यूड गिवन है, क्यू का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो आपको बताना है पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दो मेथड से मैं आपको इसको बताऊंगा। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर पी इस तरफ है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4, और दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो दूसरा वेक्टर इसके परपेंडिकुलर मैंने इस तरह से दिखा दिया, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 न्यूटन। तो अगर मुझे मान लीजिए पी प्लस क्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर मान लीजिए एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में दो वेक्टर, उस ट्रायंगल की दो साइड वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो उस ट्रायंगल में जो तीसरी साइड होगी, लेकिन ध्यान रहे तीसरा जो वेक्टर है उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी या अपोजिट ऑर्डर होगा, तो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर है आर। तो हम ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कि आर वेक्टर बराबर होगा वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू के, और रिजल्टेंट फॉर्म में अगर मैं बात करूं तो आर की वैल्यू होगी पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा होगा एंगल बिटवीन पी एंड क्यू। तो आर इक्वल टू आ जाएगा पी का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2PQ मतलब 4 × 3 और कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0,
तो इसका मतलब ये पूरा पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आएगा खाली, अच्छा यहाँ पर ये थ्री है, सॉरी थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, तो फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर ये कितना आ जाता है फाइव, तो रिजल्टेंट आएगा फाइव। दूसरा तरीका ये भी है कि जैसे पी प्लस क्यू का आपको फाइंड करना क्या होगा, तो पी प्लस क्यू को मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, मतलब पी प्लस क्यू की मैंने पी प्लस क्यू में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो ये डॉट मल्टीप्लाई कर हम कर रहे हैं, जैसे पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो आप उसको लिख सकते हो पी प्लस क्यू डॉट पी प्लस क्यू, इसको बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। अब इसको आप लिख सकते हैं पी डॉट पी यानी कि पी का स्क्वायर प्लस क्यू डॉट क्यू मतलब कि क्यू का स्क्वायर प्लस, अब पी की डॉट करो क्यू के साथ, ये वेक्टर है ठीक है यहाँ पर। अब पी की जब आप डॉट करोगे और उसका हमने मैग्नीट्यूड लिखा है तो वो आएगा पी डॉट क्यू, और क्यू की पी में करोगे तो वो आ जाएगा क्यू डॉट पी ठीक है। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा टू पी डॉट क्यू। अभी पी स्क्वायर कितना है वो है फोर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कितना है वो है थ्री का स्क्वायर प्लस टू पी डॉट क्यू को आप लिख सकते हो पी का मैग्नीट्यूड, क्यू का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल कॉस 90 डिग्री। तो फिर से ये वाला पोर्शन तो हो जाएगा जीरो, एक्चुअली दोनों एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा। तो पी प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर, ये हो गया 16 और ये हो गया 3 3 9 यानी कि 25 आ गया पी प्लस क्यू के होल स्क्वायर की वैल्यू। तो हमें तो सिर्फ पी प्लस क्यू चाहिए था, वो कितना आ जाएगा फाइव यानी कि √25 का फाइव आंसर। नेक्स्ट है द स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। टू वेक्टर हैज द मैग्नीट्यूड दैट इज प्रोपोर्शनल, तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि डॉट प्रोडक्ट किस डॉट प्रोडक्ट में आता है ए बी कॉस थीटा, और इसी को हम स्केलर मतलब रिजल्ट में एक स्केलर क्वांटिटी आपको मिल रही है तो स्केलर प्रोडक्ट भी इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर रहेगा वो रहेगा कॉस थीटा, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉस थीटा पर डिपेंड करता है या उसके प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको इतने किलोग्राम मास को एक्सेलरेट करना है इतने एक्सेलेशन से, तो आपको कितनी फोर्स चाहिए होगी, तो फोर्स बराबर मास इंटू में एक्सेलेशन होता है, एम कितना है टू और एक्सेलेशन कितना है फोर, तो ये आ जाएगा 8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि यूनिटलेस है। देखो स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन में एरिया, तो ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ठीक है। स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और जो स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा एल अपॉन में एल, तो फोर्स अपॉन में एरिया इंटू में एल अपॉन में डेल्टा एल आएगा। देखो जो स्ट्रेन होता है ना, मैं पहले उसको स्ट्रेन को ही बता देता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, या इसकी भी यूनिट मीटर होगी इसकी भी यूनिट मीटर होगी, ऐसा यूनिट की अगर बात करें तो इनमें जब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो कोई भी यूनिट नहीं मिलेगी, मतलब कि स्ट्रेन जो होता है वो यूनिटलेस होता है, तो वैसे तो सही आंसर स्ट्रेन ही होगा। और देखो प्रेशर का भी आप फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते हो, एक्चुअली प्रेशर यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस इनका जो यूनिट होगी और डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो सेम रहेगा, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फॉर्मूला मतलब स्ट्रेन का डायमेंशन फॉर्मूला रहता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो ये यूनिटलेस होगा स्ट्रेन। और एक और चीज जैसे एंगल है, तो इससे भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट तो है लेकिन वो डायमेंशनलेस है। तो एंगल की यूनिट क्या होती है रेडियन, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, उसका डायमेंशन होता है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, तो स्ट्रेन और एंगल दोनों ही डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं वो सब डायमेंशनलेस होते हैं, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डायमेंशनलेस होते हैं। नेक्स्ट है विच फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट हैव इट्स यूनिट एज पास्कल, तो देखो अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया था स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस और प्रेशर ये सब फोर्स अपॉन एरिया पर ही डिपेंड कर रहे हैं एक तरह से, तो इनकी सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम रहता है, और फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर को ही हम पास्कल भी कहते हैं पास्कल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर जिसकी यूनिट पास्कल नहीं है, तो स्ट्रेस प्रेशर और यंग्स मॉडुलस इन सब की यूनिट पास्कल ही होती है या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है। यहाँ पर सही आंसर होगा स्ट्रेन, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था स्ट्रेन यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो इसकी तो यूनिट होगी नहीं पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इफ डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ बेस यूनिट 1 वाट किसके इक्वल होगा, तो देखो पावर की
फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन में टाइम। एनर्जी को, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, एनर्जी को आप लिख सकते हैं एम सी स्क्वेयर या फिर हाफ एम वी स्क्वेयर, कुछ भी। तो एनर्जी का जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम मीटर का स्क्वेयर पर सेकंड का स्क्वेयर, और यहाँ पर टाइम का सेकंड होगा। तो ये कितना हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वेयर, और ये सेकंड ऊपर जा करके -2, यहाँ पर -1 और हो जाएगा, तो S-3 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा, या तो आप इसको ऐसे लिख लो किलोग्राम मीटर स्क्वेयर पर सेकंड की क्यूब, तो इस तरह से लिख सकते हैं, S की पावर -3 भी लिख सकते हैं। कुल मिलाकर के नीचे आएगा S की पावर 3, तो S स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर नहीं आएगा S स्क्वायर आएगा ही नहीं, यही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट है इक्वल वेक्टर है। देखो इक्वल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड सेम हो और सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि मान लीजिए ए और बी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों ही सेम डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि वो इक्वल वेक्टर है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर तब होते हैं जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं, तब वो पैरेलल होते हैं भले मैग्नीट्यूड इक्वल हो ना हो। तो इक्वल वेक्टर में इक्वल वेक्टर पैरेलल तो होंगे ही होंगे, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। चूज द फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम दैट इज नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया। पहले से हमने डिस्कस कर लिया फोर्स पर यूनिट एरिया, यहाँ पर एक्चुअली डेल्टा एल अपॉन एल आता है, तो उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं, तो यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करेगा, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया पर डिपेंड करता है, तो ले दे करके स्ट्रेन ही आंसर आएगा। मुझे नहीं पता कि DSSB वाले इतने मतलब बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे 2 क्वेश्चन पहले पूछ लिए गए हैं, मतलब ये एक ही टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन फ्रेम कर लेते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिगार्ड टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो पहले मैं ग्राफ आपको दिखाता हूँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए और अप्लाइड फोर्स में। देखो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, ठीक है, तो उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। अब एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली हो, मतलब कि मूव करने से पहले, या कह लो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम फोर्स होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, और वो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद जैसे बॉडी मोशन में आती है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होती है वो डिक्रीज करती है इस तरह से, यानी कि हम एक बात तो कह सकते हैं कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन मैं कह सकता हूँ, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या स्टैटिक फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होती है लिमिटिंग, ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, काइनेटिक फ्रिक्शन से। इसीलिए साइकिल को स्टार्ट करने में ज़्यादा मेहनत लगती है देन कि उसको एक रेगुलर स्पीड पर चलाते रहने के लिए। शुरुआत में आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी पैडल पर, एक बार वो चल गई फिर वो धीरे धीरे पैडल खुद ही घूमने लगते हैं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। दूसरा, आपने देखा होगा किसी ऑब्जेक्ट को रोल करना आसान, जैसे सिलेंडर का एग्जाम्पल लेते हैं, सिलेंडर को आप उठा करके एक जगह से दूसरे ले जगह ले जाना है मान लीजिए, तो आप उसको खिसका के ले जा सकते हैं, उठा करके ले जा सकते हैं, या फिर उसको रोल करके ले जाते हैं। तो सबसे आसान जो तरीका होता है वो होता है रोलिंग करना, उसको रोल करवा करके ले जाओ एक जगह से दूसरे जगह पर, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है। अब हमें यहाँ पर पता करना है कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा मतलब अगर तीनों में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और उससे कम कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और उससे कम कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा, सबसे ज़्यादा स्टैटिक, देन काइनेटिक, और देन रोलिंग फ्रिक्शन। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोफिशेंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज ग्रेटर होता है कोफिशेंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से, ये भी चीज़ आप ध्यान रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है। तो अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें, ये कहते हैं कि नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो भी वर्क डन होगा बाय द फोर्स इट विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, नेट वर्क डन बाय द पार्टिकल, नो, नेट वर्क डन ऑन द पार्टिकल। क्वेश्चन नंबर 13 है इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम को फंडामेंटल यूनिट मान लिया जाए तो मास की इक्वेशन क्या होगी, मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आप ये अज्यूम कर लो कि जो क्वांटिटी आपको निकालनी है ना वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, तो वो एल एफ और पी पर डिपेंड कर रही है। मुझे नहीं पता कितनी पावर पर डिपेंड कर रही है, तो उसके लिए मैं लेट ए बी और सी पावर मान लेता हूँ। तो प्रोपोर्शनल साइन हटा करके हम यहाँ पर एक कांस्टेंट के लगाएंगे जो कि डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट होगा, क्योंकि एल की पावर ए, फोर्स की पावर बी और टाइम की पावर सी। अब सबका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लीजिए, मास का कितना होता है m0, सॉरी m की पावर 1, l0 और t0, k का कोई डायमेंशन होगा नहीं,
यहाँ पर एल लेंथ है, तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला एल होगा, उसकी पावर ए। फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, तो पावर बी। और टाइम का तो टाइम ही रहेगा, टी रहेगा, उसकी पावर सी। अब क्या करें, आप दोनों तरफ जो कॉफी से जो पावर है ना एम एल और टी की, उनको कंपेयर करेंगे। तो देखो, अब हम एम एल टी की पावर कंपेयर करेंगे दोनों तरफ। यहाँ पर एम पर पावर कितनी है, वन। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखो, एम सिर्फ आपको यहाँ पर मिला था, एम की पावर कितनी है, बी। तो वन इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी, या फिर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन। इसका मतलब ये हुआ, देखो एम इक्वल टू के एल की पावर, फोर्स की पावर, टी की पावर। हमें पता लगे एफ की पावर बी है, बी की वैल्यू कितनी है, वन। तो एक बात तो सी हो रही है कि एफ पर पावर वन आएगी। जब एफ पर पावर वन आएगी तो यहाँ पर ये सही नहीं होगा और ये भी सही नहीं होगा, बचे हमारे पास दो ऑप्शन अभी। अब चलते हैं लेंथ के लिए। लेंथ पे यहाँ पर पावर है जीरो, और यहाँ पर एक तो यहाँ पर पावर है, यानी कि ए। देखो पावर, जैसे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको पूरा लिख देता हूँ, एम की पावर बी। फिर लेंथ पर आप अगर आप पावर देखो तो यहाँ पर आएगी ए और प्लस बी, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो फिजिकल क्वांटिटी की, यहाँ पर एल और एल की, तो पावर ऐड हो जाएंगी। और टाइम की आएगी माइनस के टू बी और प्लस सी, यहाँ से माइनस टू बी और ये सी। तो लेंथ की पावर को कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लेंथ है जीरो और यहाँ पर ए प्लस बी। अब बी की वैल्यू हमें पता है वन है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के वन, यानी कि यहाँ पर पावर आएगी माइनस के वन। तो अभी भी हमारे पास दोनों ही ऑप्शन बचे हुए हैं, दोनों पे माइनस वन आ रहा है। अब टाइम की पावर कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर है जीरो और यहाँ पर है माइनस के टू बी प्लस में सी। तो जीरो इक्वल टू माइनस टू इंटू बी की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा टू। इसका मतलब यहाँ पर आएगा स्क्वायर। जब टी का स्क्वायर आ गया तो इसको हटाओ, सिर्फ ये हमारा आंसर हो जाएगा, एल की पावर माइनस वन, एफ की पावर वन, टी की पावर टू। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ लेंथ फोर्स एंड टाइम आर द फंडामेंटल क्वांटिटी, तो डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इस बार हमें डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। एक तो तरीका यही है कि मैं डेंसिटी को मानू कि किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है कॉन्स्टेंट में, डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट के ले रहा हूँ, तो ये डिपेंड कर रहा है एल की पावर ए पर और फोर्स की पावर बी पर और टाइम की पावर सी पर। एक तो ये तरीका, फिर मैं दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला लिखूँ, ए बी सी निकालूँ और फिर जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था वो करूँ। लेकिन क्योंकि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम एल एफ टी के टर्म में निकाल चुके हैं, तो मैं अगर इसको यूज करूँ तो कम टाइम में हम अब डेंसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखो, मास का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था एल एफ टी के टर्म में, वो कितना था, एल की पावर माइनस वन, एफ की पावर वन और टी का स्क्वायर। एल की पावर कितनी, माइनस वन, एफ की पावर वन और टी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें अगर मैं वॉल्यूम से डिवाइड करता हूँ, वॉल्यूम मतलब एल की क्यूब, वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, एल की क्यूब, और एल फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका मतलब एल की क्यूब आएगी यहाँ पर नीचे है। अब एल की क्यूब को अगर आप ऊपर ले जाओ तो माइनस वन माइनस थ्री, माइनस के फोर हो जाएगा, और एफ की पावर वन और टी की पावर टू। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन फोर, सॉरी ऑप्शन वन, एल की पावर माइनस फोर, एफ की पावर वन, टी की पावर टू। और दूसरा तरीका आप यहीं से निकाल सकते हैं पावर कंपेयर करके, बट हमने क्योंकि इस चीज़ का इस्तेमाल कर लिया है तो दोबारा नहीं करना है, एक ही पेपर में अगर आप बैठे हैं तो। नेक्स्ट है, लाइट ईयर इनमें से किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो, लाइट ईयर होता है डिस्टेंस जो कि एक लाइट एक साल में कवर कर पाती है। तो डिस्टेंस बराबर आपको पता है स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10⁸। अब एक साल में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो आप ये देखो कि एक साल में सेकंड कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं, 365 दिन में हर दिन में 24 घंटे होते हैं, हर 24 घंटे में 60 मिनट होती है, और हर 60 मिनट में, हर एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वन लाइट ईयर आएगा 0.95 × 10⁻¹, या 9.5 × 10⁻¹⁵ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो वन लाइट ईयर किसके बराबर होता है, वन लाइट बराबर होता है 9.46 × 10⁻¹⁵। इसके अलावा एक यूनिट होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है, इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस, एक्चुअली इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अर्थ एंड सन, वो होता है 1.5 × 10⁻¹⁷ मीटर। और एक होता है वन पैरेलेटिक सेकेंड, वन पारसेक, जो कि होता है 3.08 × 10⁻¹⁶ मीटर के। इसमें सबसे ज़्यादा जो ग्रेटर होगी यूनिट वो रहेगी पारसेक,
देन उसके बाद लाइट ईयर और सबसे छोटी इनमें से एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है, तो एक तरह से वो डिस्टेंस की यूनिट है, तो मास तो नहीं होता डिस्टेंस, टाइम भी नहीं होता, एंगल भी नहीं होता, डिस्टेंस एक तरह की लेंथ होती है, तो आंसर आ जाएगा लेंथ। नेक्स्ट है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज वेयर न्यूटन्स डेथ लॉ होल्ड्स गुड। तो इनर्शियल फ्रेम में सिर्फ न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है वो ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वर्नियर कैलिपर में प्लस 0.77 मिलीमीटर मतलब ये शो कर रहा है व्हेन जॉस आर जस्ट क्लोज, हेंस टू ऑब्टेन द एक्चुअल रीडिंग ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर आपको क्या करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ये एरर की बात कर रहे हैं। वर्नियर स्केल में दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। वर्नियर कैलिपर में दो स्केल होंगे, मेन स्केल और वर्नियर स्केल। अगर मान लो वर्नियर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक दूसरे से कंसाइड कर रहे हैं, एक ही के ऊपर एक आ रहा है, तो कोई भी जीरो एरर नहीं होगी। लेकिन अगर मान लीजिए जो मेन स्केल है उसका जीरो इससे कंसाइड नहीं हो रहा या थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो उसमें पॉजिटिव एरर रहेगी। जबकि नेगेटिव एरर में क्या होगा कि मेन स्केल यहाँ पर है अगर मान लीजिए, तो जो वर्नियर स्केल है उसके थोड़ा पहले ही आ गया है, तो इसको कंपनसेट कैसे करते हैं इसमें हम समझ लेंगे। जैसे ये प्लस 0.77 पहले से दिखा रहा है पूरा क्लोज करके, इसका मतलब ऑलरेडी इतनी एक्स्ट्रा रीडिंग उसमें आ चुकी है। अब जो आप उसके जोस के बीच में एक स्फीयर को डालोगे तो वो 0.071 तो पहले से ही है, अब जो भी रेडियस आर होगा इसका वो प्लस ये 0.07 मिलीमीटर आपको शो करेगा। लेकिन आपको एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये एरर रही थी ना यहाँ पर जीरो एरर, उसमें से उतनी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तब जाकर के वो नेट कितना आएगा रेडियस के बराबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी शुड सब्ट्रैक्ट 0.07 मिलीमीटर फ्रॉम दी मेन रीडिंग। नेक्स्ट है, व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम दी अर्थ क्या होता है। देखो जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उस पर एक नीचे की तरफ थ्रस्ट लगता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्सेस में कोई भी नहीं लगती है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉलो होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, क्योंकि एफ एक्सटर्नल कितनी है जीरो, तो डी पी अपॉन डी टी बराबर किसके होता है फोर्स के, तो मोमेंटम कैसा रहेगा कॉन्स्टेंट। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉकेट होता है इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और रॉकेट न्यूटन्स के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए ऊपर जाता है, मतलब कि नीचे की तरफ गैस निकलेगी या जो भी थ्रस्ट होगी वो नीचे की तरफ लगेगी और रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक डेंसिटी आपको गिवन है वुड की 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर की क्यूब, ये जीसीजीएस सिस्टम में आपको बताना है इसको एमकेएस में, एमकेएस का मतलब हो गया मीटर किलोग्राम और सेकंड में, ठीक है। फिलहाल ये डेंसिटी हमारे पास 0.5 ग्राम पर सीसी, मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा, मुझे फाइंड करना होगा कि ये वैल्यू किलोग्राम पर मीटर क्यूब में कितनी होगी। अब देखो एक सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होते हैं और एक ग्राम में 10^-3 किलोग्राम होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि एक ग्राम में 10^-3 किलोग्राम होंगे, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10^-2 मीटर होंगे। अब ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, 0.5 ग्राम है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10^-3 से मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन में क्या है सीसी, सेंटीमीटर की क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर की क्यूब। तो पहले आप सेंटीमीटर को चेंज करो, सेंटीमीटर को मीटर में करूँगा तो 10^-2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 10^-2 आ गया यहाँ पर और उसकी क्यूब, तो हो जाएगा 0.5 × 10^-3 अपॉन में 10^-6 आएगा, या फिर 0.5 × 10^-6 − 3 तो हो जाएगा 0.5, ये पावर ऊपर जाकर के ऐड हो जाती है ना, प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 10^3 जिसको आप लिख सकते हो। देखो इसको हटाओ तो यहाँ से एक जीरो से एक पावर जाएगी, तो 5 × 10^2 बचेगा, यानी कि 500 आंसर आ जाएगा, 500। नेक्स्ट है, द इफेक्ट ऑफ एरर ऑन रीडिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड बाय, यानी कि आपको जो एरर है उसका इफेक्ट कम करना है। तो एक तो ये सलाह दी जाती है कि आप जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें बार बार मतलब कई बार उसमें आप रीडिंग लो, उससे क्या होता है जो एरर होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। दूसरा, आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहिए जिसका लिस्ट काउंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, लिस्ट काउंट लार्ज हो, और
जो भी आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसका साइज ग्रेटर होगा, मतलब अगर उसका साइज बड़ा है तो आप उसको इजिली मेजर कर पाओगे। जैसे अगर एक बड़ा वायर है या एक मोटा वायर है तो उसका डायमीटर आप इजिली मेजर कर पाओगे, लेकिन बहुत ही पतला वायर है तो उसका डायमीटर मेजर करने में कहीं ना कहीं एरर हो जाती है। तो इनमें से ये सब चीज़ें तो सही है कि इन सब चीज़ों का यूज करके हम एरर को कम कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके जिसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा हो उससे हम एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आंसर सही होगा ऑप्शन 4। मैं आशा करता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हमने इस पार्ट में डिस्कस किए हैं वो सब आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ क्लियर है और कुछ नया सीखा है तो लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू एवरीवन, बाय एंड टेक केयर।